दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। लेकिन देश में इस समय लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसलिए आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है। अगर इस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है। हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं, हम उन पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने का वक्त क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस दत्ता ने सवाल किया कि एक पोस्ट के लिए 5 नाम है, 2 के लिए आपने केवल 6 भेजे, 10 क्यों नहीं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से तो यही पता चलता है, वे 200 नामों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन समय कितना दिया गया है, शायद 2 घंटे। 2 घंटे में 200 नामों पर विचार कैसे होगा? आपको पारदर्शिता रखनी थी। दरअसल प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सर्च कमेटी ने 6 नाम शॉर्टलिस्ट किए। 14 मार्च को चयन समिति की बैठक हो गई। उन्हें पता था कि 15 मार्च को हम कोर्ट आने वाले हैं। विपक्ष के नेता का कहना है कि मुझे 10 मिनट पहले नाम दिए थे, इससे पहले 200 नाम भेजे थे, ये सब हमारी याचिका को निरर्थक बनाने के लिए किया गया था। एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि जरूरी नहीं कि चुनाव आयुक्त का चुनाव करने वाली कमेटी में तीसरा व्यक्ति CJI हो, लेकिन CJI जैसे विश्वसनीय व्यक्ति को लाया जाना चाहिए था। चुनाव नजदीक है, लोकतंत्र संकट में है, CJI एक समिति बना सकते हैं जो नियुक्तियों की जांच करे। फिलहाल कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कानून को लेकर जरूर सरकार से सवाल पूछ लिए हैं। DB Live की रिपोर्ट।